हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है वही हम सब का और डबल इंजन सरकार का मिशन भी है। स्वच्छता में पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और उसी का परिणाम है कि पिछले 7 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान कर दी हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया सभी आयोग और बोर्डों के माध्यम से निरंतर जारी है। एक तरफ सरकारी विभागों में पूरी शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न किया जा रहा है, वहीं प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार की नई संभावनाओं के लिए भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, आज उसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति का परिणाम कैसे होता है, यह आज हम सबके सामने है। जब हम लोग देखते हैं कि जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, उस प्रदेश में देश भी और दुनिया भी आज निवेश करने के लिए आ रही है। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा, गत सप्ताह ही प्रधानमंत्री जी ने 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारा था, यानी उनका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये 10,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब आप जानते हैं, 34 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। ये 34 लाख लोग पहले कहां जाते थे, देश के अंदर अलग अलग जगहों पर भटकते थे नौकरी के लिए। कोई महाराष्ट्र जाता था, कोई पंजाब जाता था, कोई बेंगलुरु जाता था, कोई गुजरात जाता था, कोई तमिलनाडु जाता था, कोई आंध्र प्रदेश जाता था। आज कहीं जाना नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य में वह निवेश हो रहा है, अपने ही राज्य में उसको नौकरी मिलेगी, यह एक संभावना प्रदेश के अंदर तैयार कर दी गई है। जब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किए थे फरवरी 2023 में, तो हमें 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। पूरी दुनिया देख रही थी एक यूपी में क्या हो गया, इतना पैसा आ रहा है। थोड़ी भी शासन प्रशासन की कार्य पद्धति बदल जाए, ईमानदारी पूर्ण तरीके से वो कार्य करना प्रारंभ कर दे, तो कैसा सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते हैं। निवेश आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में जितना कनेक्टिविटी के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी हो, एक्सप्रेस हाईवे का हो, रेलवे का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, वाटरवे का हो, जितना बेहतर कार्य यूपी के अंदर हो रहा है अन्यत्र देखना कठिन है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रहा है। गांव गांव में विद्युतीकरण का कार्य हो रहा है, नए सब स्टेशन लग रहे हैं, नए जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, विद्युत की अधिक से अधिक आपूर्ति देने की कार्रवाई हो रही है, नए नए तरीके से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के कार्य हो रहे हैं। ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकार ने तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर व्यवस्था प्रदेश के अंदर तैयार की, खास तौर पर गरीब कल्याण के क्षेत्र में थी। पहले लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती थी, पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार आने का परिणाम किस रूप में लोगों को प्राप्त हुआ, बिना भेदभाव के लगभग 56 लाख गरीबों को एक एक मकान मिल गया।
अनुमान करिए, पहले एक मकान दो मकान है, पता 56 लाख लोगों को डबल इंजन सरकार ने मकान उपलब्ध करवा दिया। 23 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दे दी। एक लाख 21 हजार गांव जहां पे आजादी के बाद, क्या आजादी के पहले या आजादी के बाद कभी बिजली नहीं पहुंची थी, उन गांव में बिजली पहुंचा दी और 1,58,00,000 परिवारों को बिजली के फ्री के कनेक्शन भी उपलब्ध करवा दिए गए। गांव गांव में न्याय पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश ने 1947 से लेकर के 2017 तक केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देखे थे, आज उत्तर प्रदेश सभी 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। ये परिवर्तन, यही परिवर्तन। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे उसके सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की हर बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। युवा के मन में एक नया उत्साह है, किसान खुशहाल है, हर एक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और उन्हीं स्थितियों में उसी शुचितापूर्ण तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है, एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोस्तों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है कि सचिवालय जो प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षक में 9 लोगों को, आयुष विभाग में आयुर्वेद के हमारे चिकित्सा अधिकारी के रूप में 360 चिकित्सकों को, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में अवर अभियंता के 234 अभियंताओं को, आवास विकास परिषद में अवर अभियंता के 123 अभ्यर्थियों को, डेंटल चिकित्सक के रूप 141 चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में 42 अभियोजन सहायक अभियोजन अधिकारी और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में 852 पदों पर चयन की जो प्रक्रिया संपन्न हुई है, उन्हें ये नियुक्ति पत्र आज यहाँ पे वितरित हो रहे हैं। यह आपके जीवन में एक उदाहरण है, आपने देखा होगा फॉर्म भरने से लेकर के